हे गाइस, आज हम बनाएंगे सिनेमन कॉफ़ी केक। इस लॉकडाउन में तो केक मिलने से रहा, अगर इसमें किसी का बर्थडे आ गया तो घर पे बहुत इजीली बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैंने लिया है यहाँ पे 1.5 कप मैदा, 1.5 कप चीनी, जितना मैदा लेना है उतना ही चीनी लेना है। लिया है 2 eggs, 1/2 कप मेल्टेड बटर और वेजिटेबल ऑयल, 1/2 कप मिल्क, 2 teaspoon कॉफ़ी, 1.5 teaspoon बेकिंग पाउडर एंड 1 teaspoon बेकिंग सोडा। लिया है 1 tablespoon वनीला एसेंस एंड 1 tablespoon ऑफ सिनेमन पाउडर। बैटर मिक्स करने से पहले हम ओवन को प्रीहीट करने दे देंगे 200 degrees Celsius में 10 मिनट्स के लिए। अब ले लेंगे एक केक टिन और इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आपके पास बटर पेपर है तो बटर पेपर लगा सकते हैं, या नहीं है तो कोई भी क्लीन पेपर को इस तरह से काट के आप उसके ऊपर ऑयल ग्रीस कर सकते हैं। केक का बैटर मैं बना लूँगी मिक्सर ग्राइंडर पे। उसके लिए मैं चीनी डाल लूँगी ग्राइंडर पे और इसका एक फाइन पाउडर बना लूँगी। देखिए कितना अच्छा पाउडर बन गया है। अब 1 by 1 करके एग्स डाल लूँगी उसी बॉल पे। एक साथ 2 अंडा नहीं डालना है, एक एक करके चीज़ें डालना है और ब्लेंड कर लेना है। इससे बहुत ही स्मूथ बैटर बनेगा और केक बहुत अच्छे तरह से फ्लफी हो जाएगा। ये हो चुका है। अब मैं इस पे डाल दूंगी सिनेमन पाउडर और वैनिला एसेंस। 1 tablespoon सिनेमन पाउडर और 1 tablespoon वैनिला एसेंस मैंने लिया है। इसको फिर से ब्लेंड कर लूंगी। अब ऐड कर दूंगी 1/2 कप मिल्क। दोबारा इसको ब्लेंड कर लूंगी। फिर इसमें डालूंगी 2 teaspoon ऑफ कॉफी पाउडर। ब्लेंड कर लूंगी। अब इस पे डालूंगी 1/2 कप मेल्टेड बटर, अगर नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं। अब मैदा को मैं 2 हिस्सों में बांट के 2 बार सेपरेटली डाल के ब्लेंड कर लूंगी। एक साथ पूरा मैदा नहीं डालना है। देखिए कितना अच्छा और स्मूथ बैटर बन गया है। जो ऑर्डर में मैंने दिया है वो मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। फाइनली मैं दे दूंगी बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। इसको देने के बाद एकदम वेट नहीं करना है, तुरंत ही इसको केक टिन में डाल देना है। इसलिए हम केक टिन और OTG को पहले से रेडी करके रखते हैं। ऊपर से आप ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे आलमंड और रेजिन्स दिए हैं। अब केक टिन को हम OTG पे डाल देंगे जो प्री हीटेड था ऑलरेडी। अगर ये आप प्रेशर कुकर में करने के सोच रहे हैं तो लो मीडियम फ्लेम में 25 मिनट्स तक इसको अंदर रखने दें। हो जाने के बाद आपको कैसे समझ में आएगा कि केक बन चुका है। एक नाइफ और टूथपिक लीजिए और उसको केक के बीचों बीच डालिए। अगर ये क्लीन निकलता है ऐसा, मतलब ये परफेक्टली बेक हो गया है। अब इसको रूम टेम्परेचर में रख दीजिए 30 मिनट्स तक। नाउ कट एंड एंजॉय विथ योर फैमिली। यू कैन सी द केक इज रियली सॉफ्ट एंड इसका आउटर क्रस्ट भी बहुत ही अच्छा बना है। देखिए कितना फ्लफी और सॉफ्ट बन गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।